हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ऐसे ही आपका आएगा इंग्लिश का पेपर, ये एक वायरल पेपर है जैसा आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर आने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। 2023 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं सेम ऐसा ही आएगा इंग्लिश का क्लास 10 का आपका पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो मार्क्स रहेगा यानी कि पूर्णांक रहेगा वो 70 नंबर का रहेगा। आपके पास टाइम रहेगा 3 hours 15 minutes, ठीक है। और यहां आप लोग सबसे पहले 50 मिनट जो है आपको 15 मिनट्स आपको रीडिंग करना है क्वेश्चंस पेपर को। एंड दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड टू सेक्शन, ये जो क्वेश्चन पेपर है दो सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए कंटेंट आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, मल्टीपल चॉइस का मतलब है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एंड आपका जो आपको OMR शीट पर इसका आंसर भी देना है। और आपका जो सेक्शन वी रहेगा ये आपका डिस्क्राइब करना होगा, ठीक है, मतलब इसका आंसर लिखना होगा। मार्क्स आर आपका इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के आगे आपका मार्क्स इंडिकेट रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर ए, जो आपका 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कैसे आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव आएंगे अभी आपका पता चल जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 3 तक, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1 से 3 तक इसी में है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, 3 marks का है बच्चा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो, व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड, सबसे पहले आप ध्यान से समझना 20 ईयर ओल्ड, ये एक छोटी सी चीज नहीं है, ये आपको 2-3 नंबर 1 नंबर दिलाएगी, ठीक है। आई हैड माई फर्स्ट ट्रिप विथ एन ओल्ड फ्रेंड, आई विजिटेड द साउथ, ठीक है, आयरलैंड ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड वन ऑफ आवर प्लान्स वाज टू स्पेंड 2 days एट ए फेमस टूरिस्ट आपका रिसोर्ट्स द आपका हर्मिटेज एंड राइट इन द हार्ट ऑफ गेंट पीक ऑफ द साउथर्न एल्प, ठीक है। अब देखो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत लॉन्ग है, ठीक है। और अब आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सबसे पहले ध्यान से समझना, ऑप्शन नंबर ए है यानी कि क्वेश्चन नंबर एक है 1 नंबर का, ठीक है। लिखा हुआ है द नरेटर वेंट ऑन फर्स्ट ट्रिप व्हेन ही वाज, जब नरेटर जो है इसमें जो आपका कहने वाला व्यक्ति है वो जब फर्स्ट ट्रिप पर गया, मतलब पहले ट्रिप पर, तो व्हेन ही वाज, तो वो कितने कैसा था, ठीक है। यहां आप समझो ओल्ड था, बूढ़ा था, या ए चाइल्ड या बच्चा था, या मिडिल एज्ड मैन था, या यंग मैन ऑफ 20 ईयर। तो बच्चा पार्टी यहां देखो मैंने क्या कहा था, इसको याद रखना पॉइंट को, कि वो 20 ईयर ओल्ड का था। तो 20 ईयर ओल्ड यहां आपके पास ऑप्शन में है तो फिर क्या दिक्कत है, 20 ईयर ओल्ड ऑप्शन नंबर डी, ए यंग मैन ऑफ 20 ईयर, ये आपका राइट आंसर है, तो ये हमारा राइट है, ठीक है। अगला है द राइटर लुक्ड, ठीक है, अप व्हेन ही फेल्ट रेस्टलेस एंड ही फेल्ट एक्साइटेड एंड यहां ही हियर्ड द हम ऑफ वॉइस, एंड डी ऑप्शन है द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप, ठीक है। तो जब इसको आप पढ़ोगे पूरा तो फिर आपको पता चलेगा कि द हम ऑफ वॉइस वाज सडनली हस्ड अप, ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, यहां देखो बच्चा कि मैग्निफिसेंट मींस क्या होता है, ठीक है। तो यहां आपका हम्बल्स होता है, या फिर आपका स्पेंडिड होता है, या डिसेंट होता है, एनीसेंट होता है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, आपका स्प्लेंडिड होता है, ठीक है, ये हमारा वी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसमें जब आप इस पैसेज को पढ़ोगे तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, बोर्ड एग्जाम में इससे आसान आता है, ठीक है, लेकिन ये आप लोग तैयार कर लेना जो अभी मैंने बताया। तो 3 ऑब्जेक्टिव आपका इस पैसेज से आएगा। फिर आप देखो यहां ऊपर, यहां अब आपका देखो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मतलब आंसर द क्वेश्चन, 5 marks का, जो आपका ग्रामर से आएगा। 4 नंबर है आई, फिर यहां डॉट 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 है, वर्किंग ऑल afternoon and have just finished the argument, ठीक है, तो have been होगा या had been होगा या shall be या am, ठीक है। तो ये जो बात है ना पार्ट में किया गया मतलब भूतकाल की, तो ये हमारा had been हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर वी बिल्कुल सही है, had been आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहां लिखा हुआ डॉट डॉट डॉट, फूड डैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, यहां आपको आर्टिकल भरना है, आर्टिकल, ठीक है, यहां नो आर्टिकल रहेगा या ए रहेगा या एन या द, तो बच्चा पार्टी यहां ना एन रहेगा, ए आर्टिकल एक खाना सही रहेगा कि नहीं, एन आर्टिकल एक खाना सही रहेगा कि नहीं, नहीं रहेगा, तो द फूड यानी कि भोजन, द फूड, तो हमारा द बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूरा पेपर समझ लो, बोर्ड एग्जाम के लिए नेसेसरी है। आई डोंट
डोंट थिंक इट वॉज डिफिकल्ट सॉरी हाँ डिफिकल्ट टेस्ट इन फैक्ट आई थिंक इट वॉज क्विट इजी। ठीक है, यहाँ आपको ये बताना है, यहाँ ध्यान से समझ लो कि एडवर्ब है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या नाउन है, ये चीज़ आपको यहाँ बताना है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ इजी के नीचे अंडरलाइन रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ मिस्टेक हो गया है, तो इजी के नीचे अंडरलाइन रहेगा और यहाँ इजी को बताना है आपका एडवर्ब है या फिर वर्ब है या एडजेक्टिव है या फिर नाउन है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो इजी। इजी मतलब कोई चीज की विशेषता बताता है, जैसे ये क्वेश्चन पेपर आसान है, इजी है। ठीक है, तो इजी यहां जो क्वेश्चन पेपर के लिए एडजेक्टिव रहेगा। ठीक है, यहां उसी प्रकार से कहा गया इजी यहां क्या है, तो यहां एक विशेषता बताता है एडजेक्टिव। जैसे आप समझो, जैसे कहा जाता है ना कि मतलब ये जो ब्लैक बोर्ड है काला है, ठीक है, ब्लैक है, तो ब्लैक है, तो यहां ब्लैक जो है वो एडजेक्टिव बताएगा, विशेषता बताती है। ठीक है, बस यही चीज समझना। ये जो लड़का है ये लंबा है, तो ये लड़का लंबा है, तो फिर यहाँ जो लंबा है, लॉन्ग है, ठीक है, टेल है, वो हमारा क्या होगा, विशेषता बताएगी। बस ये चीज आपको समझना था। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में है ट्रैवलिंग फ्रसलेस है, माई फ्रसलेस है, एंड फिर आर है, फिर मदर है, फोंड ऑफ फादर। ठीक है, तो यहां अब आपको ये बताना है कि मतलब आपको इसको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर सेंटेंसेस, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहां ऑप्शंस है माई मदर एंड फादर, आर फोंड ऑफ ट्रैवलिंग, या वी हैव फोंड ऑफ ट्रैवलिंग और माई मदर एंड फादर, या माई मदर एंड फादर ट्रैवलिंग और फोंड ऑफ, या ट्रैवलिंग आर फोंड ऑफ माई मदर एंड फादर। तो इसका राइट आंसर होगा माई मदर एंड फादर। ठीक है, माई मदर एंड फादर आर फोंड ऑफ ट्रेवलिंग, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है कि व्हिच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है, इसमें जो करेक्टली है वो आपको बताना है। तो यहाँ डिवीजन आपका सही हो जाएगा, DIVISI वो, यानी बिल्कुल सही है, करेक्टली है। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, सारा क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लो जो जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये पैसेज पढ़ना है और इसका आंसर देना है। ठीक है, यहां आप लोग देखो, ये आपका कुर्ग वाला जो चैप्टर है ना, कुर्ग वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, द फ्रांसली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग आर पॉजिटिवली, ठीक है, ऑफ ग्रीक। ठीक है, अब इसको आपको ध्यान से पढ़ना है सबसे पहले, फिर पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन यहां दे रखा है कि देखो यहां सबसे पहले द पीपुल ऑफ कुर्ग लुक, जो पीपुल ऑफ कुर्ग लुक है वो कैसे दिखते थे, मतलब कुर्ग के लोग कैसा लुक था उनका, कैसा दिखते थे। ठीक है, ये आपको बताना है। तो वो आप जो दिखते थे वो इंडिपेंडेंट दिखते थे। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा वी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसमें सीधा यहां लिखा हुआ है। ठीक है, ये ऊपर ही। अगला देखो यहां, दियर कल्चर्स इज सोन मोस्ट क्लियरली बाई दियर, तो यहाँ आपका ये हो जाएगा आपका मर्टेल ट्रेडर्स एंड ट्रेडिशन एंड मैरिज एंड रिलीजियसन एंड राइट्स। ठीक है, ETC, ये हमारा डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, अब यहाँ ऑब्जेक्टिव आओ, एक एक मार्क्स का है। एनी गेट्स ये लिटिल, ठीक है, एंड डिप्रेस्ड बिकॉज, तो इसका सही हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन जो है वो है सी डोंट हैव ए रियल फ्रेंड, उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, सी डोंट हैव ए रियल फ्रेंड, हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रॉब्लम बिफोर वली, ठीक है, बिफोर द बस राइड, मतलब बस राइड से पहले उनकी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, तो उनकी जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी वो थी कि मतलब उनके पास मतलब टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, ठीक है, टू सेव द मनी फॉर बस फेयर, मतलब बस पे यात्रा करने के लिए उनको मनी इकट्ठा करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, ठीक है, 13 कि द विश डोंट ग्रीव बिकॉज दे, तो यहां आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, नो डैट डेथ इज आपका इनविटेशन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट। अब हमारा ये आ गया पोएट्री का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पोएट्री का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, आपका जो एनिमल चैप्टर है उससे लिया गया है। ठीक है, तो यहां आपको सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर आपके यहां क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसका आंसर देना है कि द पोएट थिंक दैट द एनिमल्स व्हाट हिम
टोकन ऑफ, ठीक है। तो आपका राइट आंसर लिखा है डिलाइट, ठीक है, डिलाइट हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो डिलाइट वाला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। यहां आपका आंसर भी लिखा है। अगला देखो, हु कंपोज दीज लाइन, इसके जो राइटर हैं या फिर कंपोज या फिर इसके रचयिता हैं, लेखक हैं, वो कौन है? तो इसके जो मतलब लेखक हैं वो है वाल्ट व्हाइटमैन, विथमैन, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। अगला देखो, अब आपका सप्लीमेंट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए। दिस इज ट्रम्प ऑफ सर्जरी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। तो वो आप लोगों का है आयरोनी का, ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखो, हरी डिसाइडेड टू गो, ठीक है, डिसाइड क्या करा, टू गो टू अनिल्स हाउस एज आपका रिलीजिस्ट, ठीक है। फिर यहां आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, वो हमारा वी वाला सही है, ठीक है, वी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। व्हाट आल ही वुड बी लॉसिंग व्हाई नॉट गोइंग बैक, ये हमारा वी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन का। अब इन दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि ग्रिफिन वाज डिस्कवर्ड एट द स्टोर एज, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये आप लोग इन सब का क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। यहाँ द टू बॉयज सोक्ड टू सी द फुट स्टेप ऑन स्टेन एंड आपका विकोज, यहाँ आपके ऑप्शन हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। इतना आप लोगों को एच डब्ल्यू दिया गया है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हमारा सेक्शन नंबर वी है, सेक्शन वी 50 मार्क्स का, ठीक है। तो यहां सबसे पहले आपका दिया हुआ है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, फिर यहां आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, गुड डीड्स एंड मे बी डन बाय एनी वन इन एनी वॉक ऑफ लाइफ बाई द सोल्जर्स इन बैटल्स एंड फील्ड, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर यहां आपके क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन का आंसर देना है कि वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू, ठीक है, दो मार्क्स का, फिर ये दो मार्क्स का एक मार्क्स का, यानी कि 7 नंबर के आपके ये पैसेज रहेगा, ठीक है, जो कि आपका यहां देख लो ये पैसेज, ये ठीक है, ये आपको पैसेज सबसे पहले पढ़ना, अनसीन पैसेज जिसे कहा जाता है, ठीक है। फिर ये आप लोग देखो, हु मे डू गुड डीप, ठीक है, ये आपके सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यहां देखो 22 नंबर में आपसे पूछ रहा है, आंसर एनी ऑफ वन द फॉलोइंग, ठीक है, आपको किसी एक का आंसर देना है। जैसे आपका यहां देखो, यहां 22 में कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रेंट यू लीव फॉर 1 वीक या ए वीक एज यू हैव सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, ठीक है। तो यहां आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, अगर मान लो आपको टाइफाइड हो गया तो फिर आपको एक वीक की छुट्टी चाहिए, एक वीक की छुट्टी, तो आपको एप्लीकेशन लिखना है। या फिर वी वाला देखो, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, ठीक है, कंग्रेचुलेशन हिम ऑन विनिंग्स स्कॉलरशिप इन बोर्ड एग्जामिनेशन, तो इन दोनों में से कोई एक करना, लिखा हुआ एनी वन आपको करना है, ठीक है। तो हमारा 22 नंबर है। अब 23 में से देखो आपको करना है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 से 100 वर्ड्स में, ठीक है, एक का देना है। राइट ये आपका डिस्क्रिप एंड पैराग्राफ, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखना है एन इंडियन फार्मर पर, एन इंडियन फार्मर जैसे एसे होता है वैसे लिखना है। आपके यहां देखो कुछ आपके मतलब हेडिंग्स दिए हुए हैं, इंट्रोडक्शन, होम, एजुकेशन, आपका डेली लाइफ, सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट्स, ठीक है। अब यहां देखो आपका ये फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है, फिगर इंडियन का, ठीक है। फिर देखो, ठीक है, तो यहां आप लोगों को क्या लिखना है कि वाई 2050 इंडिया विल बी ऑलमोस्ट द कंट्रीज विच विल फेस, ठीक है, एग्रो वाटर स्टोरेज पर आप लोगों को यहां देखो क्या लिखना है। सो राइट ये आर्टिकल आपको लिखना है, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है, 80 से 100 वर्ड्स में। अगला देखो, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। फिर यहां देखो आपको री राइट द फॉलोइंग वाई चेंजिंग इन टू इनडायरेक्ट, सबसे पहले आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज करना है, 2 मार्क्स का है। अनिल सैड टू हिज सिस्टर प्लीज पुट दीज पेपर्स ऑन माई टेबल, प्लीज वाला है, ठीक है। फिर यहां आपको चेंज द पैसिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, क्या है, द हंटर शूट द टाइगर, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना, 2 मार्क्स के हैं। पंचुएशन अब आपका आ गया, पंचुएशन 2 मार्क्स का, तो पंचुएशन यहां देख लो यहां, ठीक है, आई सैड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश यू वाई ये ड्रेस, 2 मार्क्स का, ठीक है। और 4 मार्क्स का आपका ये आएगा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन है, एक दिन एक लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, अच्छा
अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गरीब लकड़हारा वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा और उनकी रोने की आवाज़ सुनकर नदी के परी निकली, जो नदी की परी, नदी की माता परी ने उसे एक सोने की कुल्हाड़ी दी। उसने कहा कि ये कुल्हाड़ी लोहे की थी और सोने की नहीं। परी उनकी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई। ये आपको एक कहानी सुना होगा आप लोगों के, 4 मार्क्स का है। अब आप लोग देखो, यहाँ आंसर आपको 30 से 40 वर्ड्स में देना है, ठीक है, 6 नंबर का, ठीक है। यहाँ देखो, ए डिस्क्राइब द इफर्ट ऑफ द पॉलिसी ऑफ, यहाँ आप लोग देखो, एंड ऑन द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर आपको ये नहीं आता, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, यहाँ आप ये कर देना, ठीक है, कि व्हाट डज एनी फ्रैंक टेल अबाउट द हर फैमिली इन डायरी, ठीक है, डायरी में अपनी फैमिली के बारे में क्या बताया, ठीक है, एक क्वेश्चन। अब अगर दूसरा क्वेश्चन देखो, हाउ इज वेकर इंपॉर्टेंट फॉर ए पार्टी और ए फीस्ट इन गोवा। अगर आपको ये नहीं आता तो ये कर लेना, व्हाट डिड वल्ली टू डू आफ्टर सी गोट इन टू बस, ठीक है, बस। अब आप लोग आगे देखो, यहाँ आंसर एनी वन का देना है, ठीक है, 4 नंबर का रहेगा, किसी एक का आंसर देना है। यहाँ देखो, 2 में से किसी एक का, व्हाट वाज द डिफिकल्ट फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है प्रोज का, ठीक है, वो सब शॉर्ट्स थे जो 2 देना था। एंड हाउ डिड बल्ली प्लान टू बस राइड एंड व्हाट डिड सी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड सी सेव फेयर, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा, कोई एक करना है, ठीक है। अब अगला देखो, यहाँ व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू, आपको ये जो पोयम है ना, मतलब फायर एंड आइस, ठीक है, इसमें क्या बताना चाहती है, अगर आपको ये नहीं आता तो ये, ठीक है, तो आप लोग या फिर पोयम लिख सकते हो या फिर फायर एंड आइस में जो पोयम है उसमें क्या बताना चाहता है लेखक, उसके बारे में लिख सकते हो। अब आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, यहाँ देख लो, आपके 3 आपके हैं, 3 में से किसी एक का, ए टाइगर इन जू या अमांडा या फॉग पर, ठीक है, 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ आपके सप्लीमेंट्री आ गई, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 से 40 वर्ड्स में, ठीक है, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ आप क्वेश्चन देख लो, ठीक है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ, ठीक है, एंड या फिर इसको कह सकते हो, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू शिफ्ट इनटू ये बिग लंदन स्टोर, ठीक है, ये 3 में से 3 नंबर आपको मिल जाएगा, किसी एक को करना है। अब यहाँ 4 नंबर आपको मिलेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ देख लो, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल, कैरेक्टर स्केच लिखना है अनिल का, मतलब आपको चरित्र चित्रण करना है, वो नहीं आता तो आप इसको कर सकते हो, कि ग्रिफिन वॉज नॉट ए ट्रू साइंटिस्ट एज ही मिस्यूड हिज साइंटिफिकली डिस्कवरी, ठीक है, इसके बारे में आप लिख देना, ठीक है। तो ये है आपके इंग्लिश का पेपर, ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश का पेपर जो है ऐसा ही आएगा जैसा आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूरा पेपर तैयार कर लेना है अगर आप भी 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हो। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, और ऐसे ही मैं आपको और भी वीडियोज प्रोवाइड करूंगा, पूरा सॉल्यूशन के साथ भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, मॉडल पेपर का। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।